उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ग्लोजेस का रिव्यू। वीडियो को जो है वो एंड तक देखना, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मजीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और प्यारा सा कमेंट भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। सो गाइज डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। सो गाइज मैं लेकर आई हूँ हंडाइया ब्रांड के मैट लिप ग्लोजेस का रिव्यू। सो गाइज ये पैकेजिंग वाइज तो बहुत गुड है और ओपन करने के बाद ना इसमें टोटल 6 लिप ग्लोजेस आपको जो है वो मिल जाएंगे। हंडाइया ब्रांड के इस लिप ग्लोजेस की 2 सीरीज है, एक ए है और एक बी है। ए सीरीज में आपको बहुत सारे डार्क कलर्स मिल जाएंगे, 6 डिफरेंट डार्क कलर्स, और बी सीरीज में जो है वो आपको डिफरेंट लाइट कलर्स मिल जाएंगे। डार्क में कुछ ये वाले कलर्स आते हैं लाइक रेड, डार्क पिंक, मेहरून, इस टाइप के कलर्स, और लाइट में आ जाते हैं पीची से कलर्स लाइक टी पिंक, पीच एंड लाइट ब्राउन कलर्स, इस टाइप के। सो गाइज इनको ट्राई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ये कितने ज्यादा यूजफुल हैं। और दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि सर्दियां आ चुकी हैं और बहुत ज्यादा लिप्स ड्राई हो जाते हैं, तो उसके लिए वैज़िन मैंने अप्लाई की है लिप ग्लोज अप्लाई करने से पहले। और लिप्स ड्राई होना बहुत ही एक कॉमन चीज है और विंटर में हो जाए ये तो बहुत ही कॉमन है। फर्स्ट गाइज जो लिप ग्लोज मैं ट्राई करने वाली हूँ वो है जिसका 1 नंबर, तो चलो इसको ट्राई करते हैं। हर लिप ग्लोज में अप्लाई करने से पहले आपको हैंड पर स्वॉच करके दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो सके कि इसका रियल कलर क्या है। और आप भी अगर किसी लिप ग्लोज का रियल कलर देखना चाहते हो तो उसको अपने हैंड पर स्वॉच किया करो लिप्स की बजाय। मैं 1 by 1 कलर्स को जो है वो अपने लिप्स पर अप्लाई करके आपको शो करवाऊंगी कि कैसा लग रहा है ये अप्लाई होने के बाद और मुझे कैसा फील हुआ अप्लाई करने से। देन यही सोचकर मैंने इसको अप्लाई किया। मैंने अपने फेस पर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई नहीं किया हुआ, उसके बावजूद ये डार्क कलर मेरे पर इतना ज्यादा सूट कर रहा था कि आप लोग भी जो है ना विदाउट मेकअप भी इसको यूज कर सकते हो, वरना डार्क कलर जो है ना मेकअप के साथ ही अच्छे लगते हैं। सो गाइज मैंने भी ये लिप ग्लोज को अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मैंने अपने लिप्स पर कुछ अप्लाई किया है। अब हम ट्राई करने वाले हैं सेकंड लिप ग्लोज जिसका नंबर 2 है, ठीक है, ये लाइन वाइज पड़े हैं। देन इस कलर को भी मैं स्वाच करके आपको दिखाऊंगी अपने हैंड्स पर। एंड सीरियसली गाइज ये जितने भी कलर्स हैं ना इसके हंडाइया ब्रांड के, ये बिल्कुल ही वैसे ही हैं जैसे ये लिप ग्लोज में दिखने में लग रहे हैं, वैसे ही जो है वो हैंड पर अप्लाई करने से भी लगते हैं। वरना कुछ लिप ग्लोज ऐसे होते हैं वो जो दिखते हैं वैसे लगते नहीं है और लिप्स पर अप्लाई करने के बाद भी वो शेड नहीं आता। तो इन लिप ग्लोज का यही मजे की बात है कि ये वही लुक दे रहे हैं जो इनका रियल कलर है, वही कलर इनहेंस हो रहा है। मुझे तो ये लिप ग्लोजेस हर लिहाज से ही पसंद आए हैं, आप लोगों को कैसे लगे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब दोस्तों इसकी सबसे मजे की बात मुझे ये लगी है कि हर ग्लोज का जो फ्लेवर है ना, एक जो फ्रेग्रेंस आ रही है बीच में से, वो बहुत ही ज्यादा जो है वो मजे की है। हर ग्लोज की बिल्कुल डिफरेंट आ रही है, उसके कलर के अकॉर्डिंग इसके जो फ्लेवर्स हैं वो आ रहे हैं और वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा मजे की लगी है। अब आता है जिसका तीसरा लिप ग्लोज जिसका नंबर ऑब्वियसली 3 है। इसका कलर बिल्कुल इस कलर से थोड़ा सा जो है वो डार्कर की तरफ जा रहा है, तो अब हम इसको ट्राई करते हैं। एक मजे की बात यह है कि शायद तो इन्होंने जो है ना इस ग्लोज में मॉइस्चराइजर ऐड किया है कि अप्लाई करने के साथ साथ मेरे लिप्स सॉफ्ट सॉफ्ट होते जा रहे थे, एक के बाद एक अप्लाई कर रही थी उसके साथ साथ सॉफ्ट होते जा रहे थे और ये बहुत ही ज्यादा मजे की बात है। ओह माय गॉड, मुझे जो है ना इन सब कलर्स में सबसे अच्छा ये वाला कलर लगा क्योंकि ये ना तो ज्यादा डार्क है और ना ही ज्यादा लाइट है, बिल्कुल एक बैलेंस सा लुक आ रहा है, बैलेंस सा कलर है इसका, बहुत ही ज्यादा प्रीटी लगा है मुझे कलर एंड आई रियली रियली लाइक इट। अब गाइस ये कलर्स जो है ना वो बिल्कुल वाटर प्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, तो इनको रिमूव करने का जो तरीका है ना, मैं मतलब जिस तरह से इसको रिमूव कर रही हूँ वो है कि मैं इसको वैसलीन की मदद से रिमूव कर रही हूँ, थोड़ी सी वैसलीन ले रही हूँ एंड देन इसको ऐसे अप्लाई करके रब करना है लाइक थोड़ा सा मसाज करना है हमें, जस्ट लाइक दैट। कुछ गंदी आदत हो जाती है, देन एक वाइप्स की मदद से या टिश्यू की मदद से जस्ट रिमूव दिस। बहुत ही आसान तरीका है इनको रिमूव करने का और अप्लाई करने का, तो वैसे ही इजी सा होता है वे इसका, तो आप वैसलीन की मदद से अपना मेकअप रिमूव कर सकते हो एंड लिपस्टिक तो बहुत ही इजीली रिमूव हो चुकी है। तो गाइस अब आता है जी हमारा 4 नंबर का लिप ग्लोज जो कि उन तीनों कलर से थोड़ा सा लाइट है, इस पैलेट में जो है ना सबसे लाइट टोन में आता है ये वाला कलर हमारा, तो चलो इसको ट्राई करते हैं। ये वाला कलर इस पैलेट में सबसे लाइट था क्योंकि स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो मैच हो रहा था बिल्कुल, तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ओह माय
माय गॉड, एक के बाद एक कलर मैं ट्राई करती जा रही हूँ और वो एक के बाद एक कलर मेरा फेवरेट बनता जा रहा है। सबके सब कलर्स इतने यूजफुल हैं और इतने प्रीटी कलर्स हैं ना इनके कि लगाने के बाद एक तो फील नहीं हो रहा और ऊपर से इतने वो अमेजिंग लग रहे हैं ना कि मैं कहती हूँ कि आपको ये पैलेट बाय कर ही लेना चाहिए, क्योंकि सबके सब कलर्स ही आपके तमाम ड्रेसेस के साथ भी चल जाते हैं और ये ऐसे कलर्स हैं जो आप हर ड्रेस पर हर इवेंट पर यूज कर सकते हो और बहुत ही मजे के हैं यार, सीरियसली। सब कलर्स हम ट्राई कर चुके हैं, 4 के 4 कलर्स। अब आता है जी हमारे 5th नंबर की बारी, और जी हाँ ये 5th नंबर का लिप ग्लॉस है हमारा, जिसका कलर है रोजी रेड कलर, ठीक है। और ये कलर तो है ना ज्यादातर ब्राइड्स पर चलता है। मैंने आज तक वैसे नोट यही किया है कि जो वैसे गर्ल्स होती हैं जिनकी अभी शादी नहीं होती, अनमेरिड गर्ल्स यानी, वो लोग ये रेड कलर्स जो है वो कम यूज करती हैं, यानी कि शादीशुदा लड़कियों पर ये ज्यादा यूज होता है। तो इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं वाकई हमें शादीशुदा वाला लुक देता है या नहीं। ये जो रोजी रेड कलर है ना, ये अप्लाई करने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा बेताब थी, क्योंकि ये दिखने में तो इतना मजे का लग रहा था, सारे कलर्स में ना सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कलर था ये। और देखते हैं, मैंने कहा यार इसको तो एक दफा ट्राई करना है, तो बस सोचा कि आप लोगों के सामने ही क्यों ना इनको ट्राई किया जाए। ओ वाओ गाइस, ये वाला कलर ना वाकई मुझे बहुत पसंद आया है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये रेड कलर ट्राई किया है और ये वाकई में रेड कलर है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो हम लोग ग्लोसेस वगैरह बाय करते हैं रेड कलर के, वो जैसे दिखते हैं ना वो रेड वैसा लुक नहीं देते, तो ये वाले ग्लोस ने वाकई रेड लुक दिया है। ब्राइड्स के लिए तो एकदम बेस्ट है, मैरिड गर्ल्स के लिए भी, अनमैरिड भी अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि मुझे वैसे ऐसा कोई लुक फील नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा अवर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, या आप इसको ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, अब आता है जी हमारा लास्ट कलर, 6th नंबर है जिसका, और अभी इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये भी बाकियों जैसा है या नहीं। लास्ट चीज लगाता है तो बंदा थक जाता है, बट जब मैंने लास्ट कलर अप्लाई किया ना, आई जस्ट वांट कि मैं इसका बी पैलेट भी मंगवाऊं और उसको भी ट्राई करूं, क्योंकि इसका ये वाला पैलेट ए पार्ट इतना मजे का है, तो बी कैसा ही होगा। सो गाइस, ये लास्ट कलर था हमारा जिसको मैंने अप्लाई किया है, एंड वाकई लास्ट ही था, इसने अंत कर दिया, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है अप्लाई करने के बाद। सबके सब कलर्स मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए हैं, आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सबसे मजे की बात मुझे ये लगी है कि मैंने जो है ना जस्ट एक दफा जो है वो मॉइस्चराइजर अप्लाई किया था। अगर आप मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं भी करते ना, अगर आपके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हैं, अंत के ड्राई हैं, तो आप अप्लाई कर लो, इसके लिए आपका ही फायदा है। लेकिन अगर आप लोग नहीं भी अप्लाई करते ना, डायरेक्ट आप इन ग्लोसेस को अप्लाई करते हो, तो आपको बिल्कुल भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे मेरे लिप्स का पता है, मेरे इस दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राई लिप्स होंगे जैसा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, हालांकि मेरी स्किन ऑयली है बट मेरे लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं पता नहीं क्यों। और मैंने जो है ना मॉइस्चराइजर एक ही दफा यूज किया, उसके बाद मैंने अप्लाई नहीं किया मॉइस्चराइजर, और ये लिप ग्लोस बहुत ही ज्यादा मजे के हैं, बिल्कुल सॉफ्ट लिप्स हो चुके हैं मेरे 6 लिप ग्लोस लगाने से। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है इनकी, ये वाले बार के लिप ग्लोस बहुत अच्छे हैं। और एक ये चीज के अप्लाई करने के बाद मुझे केकी केकी सा लुक आता है ना, ऐसे अकड़े हुए होंठ एकदम ड्राई ड्राई से एकदम फटे फटे कटे फटे ऐसे का लुक आता है, वो बिल्कुल भी नहीं आया। और ये ग्लोस जो है वो बहुत ही ज्यादा मजे के लग रहे हैं मुझे। सो गाइस, आपने मुझे ना कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना बताना है कि इन 6 कलर्स में से सबसे मजे का कलर कौन सा था। मुझे तो सबसे मजे का कलर लगा था रोजी रेड कलर, और एक ये वाला कलर, और एक जो था वो लाइट सा ब्राउन कलर जो था वो मुझे बहुत ज्यादा मजे का लगा था। ये 3 कलर्स बहुत पसंद आए हैं मुझे और मैं इनको बहुत ज्यादा यूज करने वाली हूँ। सो गाइस, एक बड़े ही मजे की बात है, और वो ये है कि द्रास पर सेल लगी है 12/12। अगर आप लोग ये पैलेट बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, और इतनी सेल के साथ आप लोगों को सस्ते में मिल जाएंगे ये पैलेट। ये कलर्स इतने प्यारे प्यारे कलर्स, तो जल्दी से जाओ और इन पैलेट्स को बाय करो, इस पैलेट को सॉरी बाय करो, इन कलर्स को बाय करो, लिंक ऑलवेज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसके साथ ही मुझे ज्यादा दुआ में याद रखेगा, और मिलते हैं मेरी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।